कि महिला ने पैसे को लोन पर लिया नहीं, प्रधानमंत्री वाला तो नहीं मिली है, हम पर्सनल अच्छा, उसे मिला नहीं। वो जितना कमाते हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस? जो 10 क्लास भी पास है वो भी बिजनेस चालू कर सकता है, जो इंटर किए या बीए और ग्रेजुएट है वो भी कर सकते हैं। दो साइड से इनकम किसी की जिंदगी को भी पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो उससे अच्छा है कि जो हम दूसरे के ऊपर दिमाग लगाएं वो अपने काम पे दिमाग लगाएं, 3 गुना होता है। अच्छा, उनके कमाई का 3 गुना। दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली से लेकर के आया हूँ मऊ में, और यहाँ पर आपको एक ऐसे शानदार विलेज बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कोई भी शुरू कर सकता है। यहाँ पर मैं आज इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस है इसको एक महिला ने शुरू किया है। दोस्तों, अक्सर जब भी मैं बिजनेस आइडिया लेकर के आता हूँ तो अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं दो तरह, पहला कि ये गाँव में नहीं चल सकता, कुछ लोग कहते हैं कि ये शहर में नहीं चल सकता। लेकिन आज मैं आपको दिल्ली से लेकर के आया हूँ मऊ के अंदर, जहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो एक महिला ने शुरू किया है बिना किसी सपोर्ट, और सबसे बड़ी बात कि महिला ने पैसे को लोन पर लिया है, वो भी पर्सनल लोन, और फिर अपने बिजनेस की शुरुआत करी, और आज के समय में वो 60 से 70 हजार रुपया आसानी से कमा रही है। और सबसे बड़ी बात कि इस बिजनेस का डिमांड पूरे देश के अंदर है, और गांव में इसका डिमांड जबरदस्त है जो कभी नहीं खत्म होने वाला है। आप इस गाँव को देखिए, एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर कुछ घर है, और इस छोटे से गाँव से इस महिला ने बिजनेस की शुरुआत करी, आज के समय में अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रही है। और कैसे इस महिला ने अपने पति के कमाई से 3 गुना ज्यादा पैसे घर रह के कमाती है, उन औरतों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है जो जिंदगी में कुछ करना चाहती है लेकिन वो कर नहीं पा रही। तो चलिए अब हम मिलाते हैं उस मैम से जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी है। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है स्टार्टअप अथॉरिटी चैनल। मैम, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम राखी यादव है, रेगवाड़ी में रहने वाली हूँ, रेगवाड़ी की मऊ की। जी, मऊ की। तो आपने इस बिजनेस की शुरुआत कब करी? इस बिजनेस का शुरुआत हम 2022 से किया था। 2022 से? जी, अभी 24 चल रहा है। अच्छा, मतलब 2 साल हुए आपके बिजनेस? जी, 2 साल हुआ। 2 साल हुए, तो मतलब जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से वो चलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बढ़ रहा है, पहले के कंपैरिजन में बढ़ते जा रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। मैडम, ये क्वेश्चन और, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी पढ़ाई क्या है? हम पढ़ाई तो ज्यादा किए नहीं है सर, क्या है कि थोड़ा कम ही उम्र में जैसे पापा मम्मी शादी कर दिए थे। अच्छा जी, तो हम इंटर तक ही पढ़े हैं। इंटर तक ही पढ़े? अच्छा, एक चीज और बताइए कि ये मशीन को ऑपरेट करना चलाना आपने कहाँ से सीखा है? हम कहीं से सीखे नहीं, बस जब मशीन आया, जब चालू करने के लिए, तो पहले तो सोचे कि लेबर रखना पड़ेगा या फिर हस्बैंड जी का काम छूट जाएगा वो करेंगे, लेकिन जब चलाए वो बताए एक बार और हम देखे उसको, समझे उनका बात को, गौर किए, उसके बाद से हम ही बोले कि हम ट्राई करते हैं, मतलब चलाने का कोशिश करने के लिए उसमें इच्छुक हुआ। और करने जब करने लगे तो फिर अब करते करते हम उसमें पूरा एकदम ही हो गए हैं, अब मशीन चलाने, अब तो में चलाने में कोई दिक्कत जी, नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैंने देखा है, पट्टा वगैरह इसमें लग रहा है, अमूनन देखा जाता है कि पट्टे वगैरह लगाने के लिए मेल की जरूरत पड़ती है? नहीं, हम लगा लेते हैं। आप लगा लेते हो? जी हाँ। अच्छा, इसका मतलब कि जितने यहाँ पे काम है वो सब कुछ के लिए आप परिपक्व हो गए हो पूरे तरह से। तो देखा दोस्तों कैसे ये सब कुछ जो है वो एक महिला के द्वारा किया जा रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि आप मेल हो तो ही धंधे की शुरुआत कर सकते हो, अगर आप फीमेल हो और इनके जैसे बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये मशीनरी काम कैसे करती है और इन्वेस्टमेंट इसमें कितना लगता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और ये भी जानेंगे कि प्रॉफिट कितना हो सकता है इसमें, और कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं, बिजनेस मॉडल हो सकते हैं, वो सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो पहले कि ये मशीन कैसे काम करती है, तो मैम एक बार बता दीजिए कि ये मशीन क्या है और कैसे काम करती है, थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे इंजन से हम लोग जैसे लाइन यहाँ पे रहती नहीं है तो हम लोग इंजन से ही चलाते हैं। अच्छा जी, तो अब बस वही चालू करेंगे इंजन से हम, चालू करने के बाद यहाँ पे अपना सरसों जैसे अपना डालेंगे और उधर से कर्सिंग करके अपना तेल ही करेगी, खल निकालेगी, इधर से तेल निकाल देगी। अच्छा, तो दोस्तों ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो मशीन है ये तेल मिल है एक तरह से, जहाँ पर आपको सरसों लेना होता है और सरसों लेके और आप इसके होपर में डालते हैं यहाँ से, और फिर यहाँ से तेल निकलता है बाहर, और इस तेल को फिर से आप मार्केट में बेचते हैं। यहाँ पर एक चीज मुझे और बताइए कि जो ये मशीन है, मार्केट में और भी मशीन बहुत सारे अवेलेबल हैं। हाँ जी, बहुत सारे। तो उसकी उस छोड़ करके और आपने इस मशीन को क्यों चूज किया? उसमें जैसे कि अब बोल्ट वाली है तो लगा कि वो हम चला नहीं पाएंगे। अच्छा। और ये जो एक बार में क्रशिंग हो रही है तो ये जब हमको चलाना है तो हम सोचे कि क्यों ना इसे ले आ जाए। अच्छा जी, तो वो वाला जो मशीन है वो जेंट्स के लिए स्पेशली है क्योंकि उसमें वर्क ज्यादा करना पड़ता है। जी, ज्यादा करना पड़ता है। ये है कि लेडीज भी कर सकती है घर बैठे, एक बार क्रशिंग करनी है इसमें,
कोई दिक्कत नहीं है, एक कोई औरत भी अपना मतलब अकेले संभाल सकती है, कर सकती है। और बोल्ट वाला रहता है तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, काहे कि जानकारी जिसको हो फिर भी वो थोड़ा सा मेहनत ही उसमें लगता है। तीन बार जब हम उसमें क्रसिंग करेंगे, डालेंगे, निकालेंगे, उसमें मेहनत भी ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा लेती है, और इसमें एक बार क्रसिंग कर से निकल जाता है तेल का पिराई। तो ये सब मशीन इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपने घर से लगाया या पैसा लोन? नहीं, कुछ घर से है, कुछ लोन लिए हैं। तो कितना लोन लिया था? जी हम तो 5 लाख लिए थे लोन। 5 लाख का लोन लिया जी, 5 लाख। मतलब मशीनरी का जितना खर्चा है वो सारा आपने लोन से लिया है? हाँ, लोन से लिया। अच्छा, लोन आजकल बहुत ज्यादा समस्या होता है लोगों को। कई लोग कहते हैं कि उनको लोन ही नहीं मिल पाता है बिजनेस करने के लिए। नहीं नहीं, क्यों नहीं मिलता? तो आपने लोन कैसे लिया, जैसे प्रधानमंत्री वाला जो? नहीं, प्रधानमंत्री वाला तो नहीं मिली है हम। अच्छा, उससे मिला नहीं आपने? ट्राई नहीं किया कि मिला ही नहीं? नहीं, ट्राई किए थे, मतलब जैसे अब छोटा एरिया है तो बैंक मैनेजर यहाँ पे नहीं कर पाए, कह रहे थे कि भाई हम नहीं दे पाएंगे, नहीं इतना अमाउंट नहीं कर पाएंगे लोन। तो वो हम फिर पर्सनल लोन करवा दिए अपना बिजनेस के लिए। तो कितना परसेंट का इंटरेस्ट आता है उस पर लगभग? उस पर तो काफी ज्यादा आता होगा, 9.5%। तो दोस्तों 9.5% का लोन, पर्सनल लोन जो है गाँव के लिए काफी अच्छा मान सकता हूँ मैं। तो 9.5% इज अ गुड अमाउंट, मतलब गुड परसेंटेज। जो आपने लोन लिया उसका EMI कितना आता है महीने का? 7,000 हम लोग हर महीना डाल देते हैं। 7,000 डाल देते हो। इसका प्रोडक्शन कितना है, मतलब इसमें आप कितना प्रोडक्शन एक दिन में निकाल लेते हो? एक दिन में तो हम जैसे कस्टमर के ऊपर हो गया, कस्टमर कभी कभी 3 क्विंटल 4 क्विंटल अपने ऊपर है। तो जो ये तेल निकलता है ये किलो के हिसाब से आप बेचते हो, तो क्या रेट बेचते हो किलो के हिसाब? अभी हम लोग फिलहाल 170 बेच रहे हैं। अच्छा, 170 रुपया किलो? किलो है। जो ये मशीन है इसमें 1 क्विंटल अगर कोई या 100 किलो सरसों लेके आता है जी, तो उसमें लगभग कितना तेल निकलता है? सरसों बढ़िया रहेगा तो 7.5 kg तेल 20 किलो सरसों में निकलती है। अच्छा, 20 किलो में 7.5 जी। तो इससे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाता है, मतलब कितने इनकम के अप्रोक्सीमेट हो जाता है? 60-70 हज़ार महीने का हमारा इनकम हो जाता लगभग है। लगभग 70 हज़ार बचत हो जाता? हाँ, बचत हो जाता है। इसका प्राइस क्या आता है, जैसे आप सरसों जो खरीद के लाते हो उसका क्या प्राइस आता है? उसका प्राइस मंडी के हिसाब से कभी 5300 में भी आ जाता है, कभी 5600 में भी आता है, कभी 5200 में भी। इसमें एक चीज और बताइए कि जो आपके हस्बैंड है वो जितना कमाते हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब कितना वो अच्छा है या ये अच्छा है? ये अच्छा है। अच्छा, मतलब उनके उस कंपैरिजन में ये अच्छा है? कितना गुना हो जाता है? 3 गुना होता है। अच्छा, उनके कमाई का 3 गुना, तो फिर उनको तो इसी में लग जाना चाहिए। लग जाना चाहिए, क्योंकि ये लग जाएंगे तो इसमें और ग्रोथ मिल जाएगा। नहीं ना, ये तो हम ही कर ले रहे हैं, तो फिर उसमें वो भी हाथ बटाएंगे तो जो वो भी आ रहा वो भी नहीं आएगा। अच्छा, वो बाहर से आए तो ठीक है, ये इतना तो हम कर ही ले रहे हैं। अच्छा, इतना आप कर ले रहे हो, बाहर वो कर ले, आप यहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पे कर। देखिए दोस्तों, ये बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, क्योंकि जब घर की औरतें इस तरह के सेटअप के साथ सब काम कर ले तो यहाँ पर 2 साइड से इनकम होता है, और 2 साइड से इनकम किसी की जिंदगी को भी पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो ये बढ़िया चीज जो है मुझे देखने को मिला है। आप एक बार औरतों को आप कुछ मैसेज दीजिए, जो लोग केवल सोचते हैं, जिनके दिमाग में घर का ही चीज रहता है, उनको लगता है कि यार बिजनेस करना मुश्किल है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा आप बता दीजिए। हम कहना चाहेंगे सभी बहनों से कि मतलब वो भी हिम्मत करके कुछ भी अपना, जैसे घर पे खाना बनाओ, बनाने के बाद जैसे 8-9 बजे के बाद सभी खाली हो जाती हैं, सभी खाली हो जाती हैं। उसके बाद घर में दिन भर सो या फिर 4 औरतों के पास बैठ के बातें करो, यही रहता है। गांव में तो वही होता है, उसके घर की बात, हाँ बस वही होती है। तो उससे अच्छा है कि जो हम दूसरे के ऊपर दिमाग लगाएं, वो अपने काम पे दिमाग लगाएं। जो 8 बजे से हम खाली हो रहे, 8 बजे से यदि हम कोई काम चालू कर दें अपना बिजनेस में, कोई भी काम हो अपने जैसे कर पाए, जैसे जो भी हिम्मत बांध के लग करे, वो यदि आप करना चाहें तो आपको जैसे बैठ के जो आप पति के ऊपर ही कर रहिएगा, निर्भर रहिएगा कि हमको महीना में कुछ पैसा दे तो हम अपने कुछ खर्च वर्च निकालें, तो वो खर्च कोशिश करके अपने से निकालें मेहनत करके, और वो भी 3 गुना ज्यादा। 3 गुना ज्यादा, वो भी 3 गुना ज्यादा। बहुत बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कि अगर मान के चलिए कि हस्बैंड अगर 20,000 रुपीज कमा रहे हैं, तो 20,000 रुपीज के अंदर पूरे घर को चलाना और एक सेल्फ तरीके से जो एक उद्यमी है यहाँ पे, तो अगर ये उनसे 3 गुना ज्यादा लगभग 60,000 रुपये महीने कमाते हैं, और ये 60,000 उसमें जुड़ जाता है, तो वो दोनों मिला के 80,000 रुपये होता है गांव में बैठ के। अब ऐसे में अगर एक लोग का यानी कि हस्बैंड के पैसे पूरे महीने के खर्च हो जाते हैं, वो तो हमको लगता है कि उन्हीं का पॉकेट खर्चा बचता है, उन्हीं का पॉकेट खर्चा उससे बचता है, तो उससे जो है काम नहीं चलने वाला। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए, मैं मेल्स की भी बात कर रहा हूँ जो हमारे चैनल पे आते हैं, कमेंट करते हैं, कहते हैं सर
बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता, बिजनेस में पैसे लग जाते हैं, सेल नहीं होता है, केवल एक्सक्यूज कि बस नहीं करना है, उसके लिए जितना एक्सक्यूज हो सके आप दे देते हैं। लेकिन मैं जब सुना था पहली बार कि एक लेडीज जो हमारे इलाके की है और खुद से एक बिजनेस को शुरू करी हुई है और इतना अच्छा इनकम कर रही है, तो मैं खुद से भी बहुत ज्यादा उत्सुक था कि एक बार जाकर के देखूं, मिलूं और आप लोगों के लिए एक कंटेंट लेकर के आऊं, आप लोगों को इंस्पायर कर सके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो मैम कुछ और बताइए, इसके अलावा जो साइड इनकम आप कर रही है, यहाँ पर तो ये तेल का काम आप कर रहे हो, इसके अलावा आप यहाँ पे क्या क्या करते हैं? यहाँ पे एक आटा चक्की है मेरा जो की आज खुला हुआ है, वो पत्थर कुटवा लगता है, जरूरत होता है जी। तो ये भी डेली चलता है, जितना घंटा ये चलता है उतना घंटा। सब जानता है कि दिन में तो लाइट रहती नहीं है, लाइट से ही हम उसका कलेक्शन किए हुए हैं। बिल्कुल। तो जैसे दिन में हम जितना काम करने के बाद 7-8 बजे खाली होते हैं, 7 बजे, उसके बाद बच्चों सबको अपना खाना, मम्मी पापा हैं साथ में, बच्चे हैं दो, उन लोगों को खाना बना के खिला के हम 9-9:30 बजे से फिर चक्की चालू करके 11-11:30 बजे तक चक्की चालू करते हैं, शाम को, रात के समय को। अच्छा। चक्की 11:30 बजे बंद करने के बाद फिर हम भी अपना आराम उराम करते हैं, और जैसे कि सुबह होते ही 5 बजे भोर से चालू हो जाता है, इतना गल्ला रहता है सारा गल्ला सुबह से मेरा खाली हो जाता है, और फिर आता है, जैसे अभी देख रहे हैं आप ये गल्ला मेरा हुआ है, ये गल्ला अभी हम इसको जैसे कुछ निकाले हुए थे, कल लाइट का प्रॉब्लम था तो कुछ गल्ला रुक गया है, अब बाकी जितना सुबह था देख रहे मेरा गल्ला खाली हो चुका है, गल्ला मेरे पास रहता नहीं है, जितना आता है पूरा तुरंत सुबह सुबह खत्म हो जाए, चल जाता है। यहाँ पर एक चीज जो बहुत अच्छी चीज है जो इनसे सीखने को यहाँ मिल रहा है कि हम में से 99% लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग जॉब माइंडसेट के साथ चलता है। जॉब माइंडसेट की मतलब 10 बजे ऑफिस जाएंगे, 4 बजे टीचर हैं तो घर आ जाएंगे, 10 बजे ऑफिस जाएंगे, 6 बजे तक घर आ जाएंगे, इसके बाद से हम कुछ करना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको टाइम से परे हटना पड़ेगा। आपको जितना समय आपको वक्त मिलता है जो आप वेस्ट कर देते हैं किसी और के काम में, किसी और के घर की बात करने में, किसी और की बात करने में, जिससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, अगर उसके जगह पे आप अपना खुद का काम करें जैसे ये मैडम कर रही है, तो आप भी इस तरह के सक्सेस को पा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप भी इस तरह के बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो नंबर हमने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ पर नंबर ले सकते हैं और कंपनी को कॉल कर सकते हैं और वहाँ से ये पूरा सेटअप जो है वो लेकर के और अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा होगा कि कैसे गांव में रह करके और एक बड़े धंधे की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के बिजनेस आइडिया जब भी मैं लेकर के आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचाई जा सके। तो चलिए मिलते हैं एक नैपशॉट में, तब तक ले दीजिए इजाजत, जय भारत।